नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है और आज बात करेंगे हम ग्रुप डी 3 अक्टूबर के ग्रुप डी के जो पेपर हुआ है उसमें जीके और करंट अफेयर्स की और तीनों शिफ्टों का के जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल हमारे दो टेलीग्राम ग्रुप है, इजी नौकरी और रेलवे ग्रुप डी का, ALP ग्रुप डी, RPF का ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों 3 अक्टूबर की तीनों शिफ्टों के GK और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 3 अक्टूबर GK और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि फर्स्ट शिफ्ट में इस तरह से पूछे गए थे, हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच जो झील बहती है उसका नाम क्या है? हुसैन सागर झील। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री से विवाद हुआ था अभी। सविता अम्बेडकर का मूल नाम क्या है? माई साहब, ये भीमराव अम्बेडकर की दूसरी पत्नी थी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र कौन सा है? ये भारत के कृषि भूमि क्षेत्र से रिलेटेड था, ऑप्शन नहीं प्राप्त हो पाए इस पर। इस खेल का नाम क्या है जहाँ खिलाड़ी पहली स्थिति सुरक्षित होने पर भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? ऑप्शन नहीं मिल पाए। SC ST या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए संविधान के किस वर्ग में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 341 और 342 में। UNO कब स्थापित हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945 को। साहित्य की किस पुस्तक में अश्वमेघ पुष्पपुंज संघ का जो सबूत है वो मिलता है? सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों, ये भगवान नहीं है, लॉर्ड है। लॉर्ड कॉर्नवाली ने किस क्राउन में भारत में क्राउन शासन की जो है घोषणा की? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सोसाइटी के सदस्य होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, मनमोहन नाथ रॉय थे। किस भाषा का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण माना गया? ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। कौन सा देश नी और इस्लाम की उत्पत्ति मानी जाती? तो इस्मालिक साम्राज्यों द्वारा इस्लाम धर्म, रोमन साम्राज्य इस्लाम द्वारा अपनाया गया। कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये केरल राज्य में है और अभी जो निफा वायरस फैलाता है वो यहीं फैलाता है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की तीसरी सर्वोच्च जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो कौन सा है? पद्म भूषण। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा पद्म भूषण। सर्वश्रेष्ठ सामाजिक फिल्म का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो अलोडुकम मलयालम मूवी है। एक क्वेश्चन था वाई एम हिंदू, ये किसी किताब है? तो ये शशि थरूर जी की किताब है, तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। दूसरी शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन थे, न्यूटन फिल्म में किसने भूमिका निभाई? राजकुमार राव। चुनाव से रिलेटेड मूवी थी नक्सली क्षेत्रों में। भारत में ट्विटर पर सबसे ज़्यादा अनुयायी किसके हैं? अनुयायी का मतलब सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स, नरेंद्र मोदी के। वन प्लस मोबाइल के राजदूत कौन है? श्री अमिताभ बच्चन हैं। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर है? ये कोलकाता में है। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आई कैन जिसको शांति के लिए नोबेल मिला था पिछली बार। गुरमीत सिंह किस खेल से संबंधित एक क्वेश्चन था, ऑप्शंस नहीं है। ओटामा मस्जिद कहाँ स्थित है, एक क्वेश्चन ये था। IIF या आईफा 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुनी गई? ये विद्या बालन की जो फिल्म थी तुम्हारी सुल्लू को चुना गया। साबरमती नदी के तट पर कौन सा क्षेत्र मौजूद है? अहमदाबाद। खेल रत्न पुरस्कार 2017 किसने प्राप्त किया? देवेंद्र झंझरिया और सरदार सिंह ने। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग में सिडनी में जीता था इन्होंने। टोडा जनजाति कहाँ की है? तमिलनाडु की है। वन इंडियन गर्ल किसकी किताब है? चेतन भगत की है। ओडिशा के जो राज्यपाल है वो कौन है? SC जमीर है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। लावा के CEO कौन है? विशाल सहगल है। 3 अक्टूबर की जो तीसरी शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन इस तरह से हैं, कौन सा भारतीय राज्य चांदी का उच्चतम उत्पादक है? राजस्थान। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? बर्लिन। आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? काला हिरन। HS प्रोनी किस खेल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? प्रणोय है। वो बैडमिंटन क्षेत्र से है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए 2016 का इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है TM कृष्णमूर्ति ने।
सर्वश्रेष्ठ मूवी फिल्म में फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 किसे दिया गया? दंगल को दिया गया था दोस्तों, दंगल। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म थी वो कौन सी थी? तो दोस्तों ये 2017 की जो फिल्म थी, अगर हम 2017 की बात करें तो ये जो विलेज रॉकस्टार जो मूवी थी ना, समिया मूवी, इसे दिया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित प्रश्न था। 2017 के जो सीएट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे जीता? आर अश्विन ने जीता है। किस नदी के किनारे अहमदाबाद शहर स्थित है? तो ये साबरमती है। 2017 में किस हॉकी खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला? सरदार सिंह को मिला। तो दोस्तों ये करंट अफेयर जो है वो 2017 की काफ़ी पूछी आ रही है। ये ट्विटर वाला पहले ही क्वेश्चन अमिताभ बच्चन है इसके, के बिरला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान 2017 किसे मिला? सितास्चु यशचंद को मिला ये, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को रट ले जाइए आगे शिफ्ट में जिनका पेपर है, और पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।